जब दो इमारतें एक सी हैं, दोनों पर एक्शन होना है, तो कैसे किसी एक पर एक्शन लिया गया और दूसरे पर नहीं? ऐसी कुछ सख्त टिप्पणियां बुलडोजर जस्टिस वाले मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने की हैं आज। इस पर हम विस्तार से बात करने वाले हैं, साथ ही बात सोनम वांगचुक के प्रदर्शन और उनकी मांगों पर भी, राम रहीम की परोल पर भी, और गोविंदा के साथ हुए एक हादसे पर। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी ललन टॉप शो। Brought to you by ITIL and Sensodent K. देश के अलग अलग राज्यों में बुलडोजर एक्शन वाले मसले पर सुप्रीम कोर्ट में 1 अक्टूबर के रोज सुनवाई हुई। सुनवाई के लिए दो जजेस की बेंच बैठी, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन थे इस बेंच में। बुलडोजर एक्शन के खिलाफ लगी याचिकाओं पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित भी रख लिया है, यानी रिजर्व किया है। सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान सरकार की तरफ से मौजूद रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता। SLS और पैराबेंगोन तो का करंट ऑन, व्हाट देन? इसके पोटेशियम आयंस करें डूब का करंट गॉन, लाइव का करंट ऑन। इन तीनों राज्यों की तरफ से इसलिए पेश हुए मेहता क्योंकि याचिकाओं में इन तीन राज्यों का नाम प्रमुखता से लिया गया और इल्ज़ाम है कि यहाँ बुलडोजर डिमोलिशन का गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया। इस पर तुषार मेहता ने कहा कि एक समुदाय विशेष के खिलाफ बुलडोजर एक्शन लिए जाने के इल्ज़ाम लग रहे हैं, यही बात हमें सबसे ज़्यादा परेशान कर रही है। इस पर जस्टिस बी आर गवई ने कहा कि हम एक धर्मनिरपेक्ष देश हैं, यहाँ से हम जो भी निर्धारित करते हैं वो पूरे देश के लिए होता है, सार्वजनिक सुरक्षा सबसे पहले है और इसके रास्ते में चाहे मंदिर आए, दरगाह आए, उसे हटाना ही सही होगा। अदालत में क्या क्या दलीलें दी गईं, बेंच ने क्या कहा, कुछ खास बातें जान लेते हैं। बेंच मुख्य रूप से जमीयत उलेमाए हिंद की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिका में कहा गया था कि कुछ राज्यों में सरकारें उन लोगों की संपत्तियों पर बुलडोजर चला दे रही हैं जो किसी आपराधिक केस में आरोपी हैं। जस्टिस विश्वनाथन ने कहा, कोई दो इमारतें हैं, इनमें से एक पर ही बुलडोजर एक्शन होता है और फिर पता चलता है कि इन इमारतों से जुड़े लोगों पर कोई आपराधिक केस भी चल रहा था। सवाल यह है कि एक्शन केवल एक इमारत पर ही क्यों लिया गया। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए बेंच ने कहा कि जब सिलेक्टिव एक्शन लिए जाते हैं तो ये परेशान करने वाली बात होती है। बेंच ने कहा कि अगर कोई इमारत, कोई निर्माण अनधिकृत है तो कानून सब पर समान तरीके से लागू होगा। इसके बाद बेंच ने तुषार मेहता से पूछा कि अगर कोई व्यक्ति किसी केस में आरोपी है या दोषी है तो क्या ये बुलडोजर एक्शन का आधार हो सकता है? तुषार मेहता ने कहा नहीं। इसके बाद तुषार मेहता ने अवैध अतिक्रमणों पर बुलडोजर चलाए जाने की बात उठाई। जस्टिस गवई ने बीच में ही टोकते हुए कहा और एक बड़ी टिप्पणी की, कहा कि हम पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि रोड, वाटर बॉडीज, रेलवे लाइन, इन सब जगहों पर सभी तरह के अवैध अतिक्रमण हटाए जाने चाहिए, फिर वो मंदिर हो, दरगाह हो, किसी भी धर्म के स्थल हो, जनता की सुरक्षा सबसे पहले है। जस्टिस गवई ने आगे कहा कि जब मैं बॉम्बे हाईकोर्ट में था तो मैंने खुद फुटपाथ पर अवैध अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया था, लेकिन हम अदालतों से ये ज़रूर कहेंगे कि ऐसे मामलों से निपटने में सावधानी बरती जाए। तुषार मेहता ने कहा कि याचिकाकर्ताओं ने जो केसेस सामने रखे हैं वो कुल केसेस की संख्या में बहुत कम है, कुल जितने बुलडोजर एक्शन हुए हैं उनका तो ये 2% से भी कम है। ऐसा न हो कि इस मामले की आड़ में जो कथित अन्याय का दावा किया जा रहा है उसकी आड़ में बड़े बिल्डर्स और अन्य प्रभावशाली लोगों का अनुचित लाभ मिल जाए, ये तुषार मेहता के शब्द थे। बेंच ने मेहता के तर्क पर आपत्ति जताई और कहा कि ऐसा नहीं है कि मामला केवल 2% लोगों का है। बेंच ने यह भी कहा कि अदालत कभी भी धारणा से प्रभावित नहीं होती, हम साफ कह रहे हैं कि हम किसी भी अवैध अतिक्रमण के बीच में नहीं आएंगे, उसे तोड़ जानेंगे, लेकिन अधिकारियों को जज भी नहीं बनने देंगे। अदालती कार्रवाई पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं इंडिया टुडे के लिए कानूनी मामलों से जुड़ी खबरों पर नजर रखने वाले वरिष्ठ पत्रकार संजय शर्मा। आज की सुनवाई में की फैक्टर ये रहा कि जब जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस के वी विश्वनाथन की पीठ के आगे इस मामले की सुनवाई हुई तो सुनवाई में याचिकाकर्ताओं की तरफ से कहा गया कि कुछ खास वर्ग के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि अगर सार्वजनिक जगह पर निर्माण है तो उसे किसी भी सूरत में हटाना होगा और उसके लिए बुलडोजर का इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे कोई सड़क है, सड़क के बीच में कोई धार्मिक स्थल बना है, फुटपाथ है, सार्वजनिक जगह है, स्कूल कॉलेज की ज़मीन है या कोई भी सार्वजनिक स्थल ऐसा है गोल चक्कर जहां पर धार्मिक स्थल बना है उसे हटाया जा सकता है, लेकिन किसी को सज़ा देने के रूप में बुलडोजर चलाना उचित नहीं है। कई बार कोर्ट ने बहुत सरकास्टिक वे में बुलडोजर जस्टिस का जिक्र किया और उनका ये कहना था कि कोई आदमी आरोपी हो या दोषी,
दोषी होने पर भी उसकी संपत्ति पर बुलडोजर चलाने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि कोर्ट ने साफ कहा कि किसी भी आदमी को, दोष करने वाले को, अपराध करने वाले को सजा दी जा सकती है, उनके परिवार वालों को नहीं। और ऐसे में किसी आदमी ने पत्थर चलाया और उसके पूरे परिवार, उसके घर पर बुलडोजर चला दिया गया, तो ऐसे में महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों, उनका सड़क पर आना हमें अच्छा नहीं लगता। कोर्ट ने साफ किया कि अगर कहीं पर अवैध निर्माण है और उसे ध्वस्त करने की ज़रूरत है, तो निचली अदालत हो, ट्रायल कोर्ट हो या कोई भी कोर्ट हो, अदालतों को उसको ढहाने का आदेश देते समय कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। उन्हें एक सफिशियंट वक्त दिया जाए ताकि वो वैकल्पिक इंतज़ाम कर लें। अगर वक्त नहीं दिया जाता है, आनन फानन में ढहाने की कार्रवाई की जाती है, तो ध्वस्तीकरण किया जाता है, तो ऐसे वो लोग सड़क पर आ जाते हैं जो मानवीय रूप से सही नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा कि देश भर में हर साल अगर हम देखें तो रिकॉर्ड ये बताते हैं कि 4 लाख से 4.5 लाख जगह बुलडोजर चलते हैं, यानी ध्वस्त किए जाते हैं अवैध निर्माण। इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि लगभग 2% ऐसे होते हैं जो लोग इसकी शिकायत करने कोर्ट तक आते हैं, लेकिन अधिकतर लोगों का निर्माण, अवैध निर्माण ध्वस्त करने में, चूंकि उन्हें पता है कि ये निर्माण अवैध है, लिहाजा वो कोर्ट तक नहीं आते हैं। कोर्ट ने कहा कि वो सारी चीज़ें ठीक हैं, लेकिन किसी भी आरोप में किसी भी अपराधी को दोष सिद्धि के बाद भी उसकी संपत्ति पर बुलडोजर चलाने का अधिकार नहीं दिया जा सकता है। हाँ, एक तय प्रक्रिया है जिसमें उन्होंने कहा कि ये एक तरह से जो स्थानीय निकायों के लिए अधिनियम बने हुए हैं उनका दुरुपयोग है, उनका उपयोग कैसे किया जाए इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि वो गाइडलाइन बनाने जा रहा है। वो गाइडलाइन पूरे देश में लागू होगी, चूंकि ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है और हम एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में रहते हैं, लिहाजा किसी भी धर्म, जाति, लिंग भेदभाव से अलग हटके सिर्फ ऐसे लोगों पर कि अवैध निर्माण है या फिर ज़बरदस्ती कब्जा किया हुआ है या फिर कहीं पर सरकारी ज़मीन पर कब्जा है, तो उसे कैसे हटाया जाए उसे लेकर हमें गाइडलाइन जारी करेंगे, वो गाइडलाइन पूरे देश में मान्य होगी। इस मामले में अदालत की अवमानना का एंगल भी जुड़ गया है। इससे जुड़े 2 केसेस हैं। गुजरात के सोमनाथ मंदिर के आसपास कथित अवैध निर्माण पर हुए बुलडोजर एक्शन का मामला कोर्ट पहुंचा। पटनी मुस्लिम समुदाय ने सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की। आरोप लगाया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करते हुए गुजरात के गिर सोमनाथ में सदियों पुरानी मस्जिदों, मकबरों और मुतवल्लियों के घरों को अवैध रूप से तोड़ा गया। गिर सोमनाथ के कलेक्टर दिग्विजय सिंह जडेजा ने 28 सितंबर को बताया था कि 102 एकड़ सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा था। इंडिया टुडे टीवी के विशेष संवाददाता ब्रजेश दोषी की रिपोर्ट के मुताबिक कथित अवैध निर्माण सोमनाथ मंदिर से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर थे, जिन्हें करीब 35 से ज़्यादा JCB और 50 से ज़्यादा ट्रैक्टर्स की मदद से ढहाया गया। एक मामला है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में अवमानना की एक और याचिका असम के सोनापुर, कोटुचोली और गुवाहाटी जिले के लखीमपुर और बंदरमाथा संरक्षित वन क्षेत्र के कुछ निवासियों ने भी दायर की थी। याचिकाकर्ताओं का इल्ज़ाम है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर उनके घरों को बुलडोजर से ढहाने का आदेश दिया गया और उन्हें इसके पहले कोई नोटिस भी नहीं दिया गया। इस मामले पर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा की भी प्रतिक्रिया आई है। देखिए, हमने जो एविक्शन करा हूँ वो गुवाहाटी हाई कोर्ट का निर्देश अनुसार ही हम लोग कर रहा हूँ, तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को जब भी मौका आएगा हम लोग बता देगा कि ये हमारा एक्शन नहीं है, हाई कोर्ट का ऑर्डर का अनुसार ही ये काम हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश पालन किया जाएगा। अब मानना कि इन दोनों याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, संजय शर्मा बता रहे हैं, आप सुनिए। अधिकतर याचिकाएं जो बुलडोजर जस्टिस के खिलाफ दाखिल की गई हैं, मुस्लिम लोगों ने ही दाखिल की हैं। सबसे पहली याचिका जमीयत उलेमाए हिंद ने दाखिल की, उसके बाद फिर सिलसिला तय हो गया। लगभग 4-5 याचिकाएं अभी तक दाखिल हो चुकी हैं, जिसमें सोमनाथ मंदिर के आसपास ही नहीं, सोमनाथ शहर के आसपास भी वेरावल है या और कई जगहें बताई गई हैं, जिसमें कहा गया कि मुस्लिम समुदाय के जो निर्माण हैं उनको अवैध घोषित करते हुए, अवैध बताते हुए वहां पर बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है, लिहाजा उससे त्राहिमाम याचिका दाखिल की गई है कि हमें बचाया जाए। असम के सोनापुर में गुवाहाटी का जो एक इलाका है, सोनापुर है और भी कई इलाके हैं, वहाँ पर भी मुस्लिम समुदाय के लोगों के ही अवैध निर्माण ढहाए जा रहे हैं, लेकिन रंग ये दिया जा रहा है कि ये सिर्फ इसलिए कार्रवाई हो रही है क्योंकि वो मुसलमान हैं और सरकार का, वहाँ की सरकारों का और बाकी अन्य स्थानीय सरकारों का कहना है कि अवैध निर्माण है, लिहाजा इनको कई बार नोटिस भी दिया गया, नोटिस की अनदेखी की जा रही है, आखिर में स्थानीय निकायों को वहाँ पर बुलडोजर चलाकर अवैध निर्माण को ध्वस्त करना पड़ रहा है। तो ये
जरूरी तथ्य यह है इसमें, मुझे ऐसा लगता है कि जब अवैध निर्माण होता है उस समय सारे स्थानीय निकाय, नेता, राजनेता सभी वोट के लालच में उसकी तरफ से आंख बंद करके रखते हैं। जब कोई प्रशासन ऐसे कदम उठाता है तो उस समय फिर ये शुरू हो जाता है। और सॉलिसिटर जनरल ने भी कहा कि हिंदू मुसलमान की कोई बात नहीं है, जिन्होंने अवैध निर्माण किए हैं उनके अवैध निर्माण ढहाए जा रहे हैं। लेकिन याचिकाकर्ताओं की तरफ से कहा गया कि एक आदमी ने पत्थर चलाया, पथराव हुआ और जिन लोगों ने पथराव किया उनके घर पर उसी शाम बुलडोजर चला दिया गया, ये कहते हुए कि निर्माण अवैध है। तो इस पर कोर्ट ने भी कहा कि एक प्रक्रिया तय होनी चाहिए और उस प्रक्रिया के मुताबिक ही इस तरह की कार्रवाई हो, मनमाने ढंग से। ऐसा नहीं कि किसी से हमारी नाराजगी है तो हम उसके ऊपर बुलडोजर चला दें। तो इस पर अब सभी लोगों को इंतजार है कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन कब आती है, कैसी आती है। इससे पहले इस मामले में हुई सुनवाइयों में सुप्रीम कोर्ट ने 2 सितंबर को कहा था कि भले ही कोई व्यक्ति किसी केस में दोषी क्यों ना हो, लेकिन कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना बुलडोजर चला देना ठीक नहीं है। फिर 12 सितंबर को सुनवाई में कोर्ट ने कहा कि बुलडोजर एक्शन देश के कानूनों पर बुलडोजर चलाने जैसा है, कि आप कानून पर ही बुलडोजर चला रहे हैं। 17 सितंबर की सुनवाई में कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर 1 अक्टूबर तक की रोक लगा दी थी। अब दिन की एक दूसरी बड़ी खबर पर बात करते हैं। लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा और कुछ अन्य मांगे लेकर लेह से दिल्ली की पदयात्रा पर निकले क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को 1 अक्टूबर को दिल्ली के पास हिरासत में ले लिया गया। दिल्ली पुलिस ने वांगचुक और उनके साथ पैदल चल रहे करीब 125 लोगों को सिंगू बॉर्डर के पास हिरासत में लिया। पैदल मार्च का समापन 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर राजघाट पर होना था। पुलिस ने बताया कि यह कार्रवाई दिल्ली में 6 अक्टूबर तक लागू निषेधाज्ञा के तहत की गई। दिल्ली पुलिस ने 6 दिन के लिए भारतीय न्याय संहिता की धारा 163 लागू कर रखी है, जो पहले 144 थी, यानी 5 या उससे ज़्यादा लोग एक जगह पर इकट्ठा नहीं हो सकते। इसके तहत नई दिल्ली, सेंट्रल दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली के अलावा दिल्ली के सभी बॉर्डर्स पर धरना प्रदर्शन पर पाबंदी रहेगी। वांगचुक को हिरासत में लिए जाने के बाद उन्होंने एक वीडियो शेयर करके अपनी और अपने साथियों की स्थिति के बारे में जानकारी दी। बस से हम पंजाब से दिल्ली जा रहे हैं, रास्ते में हरियाणा पुलिस और दिल्ली पुलिस के बहुत सारे गाड़ियां हमें एस्कॉर्ट कर रही थी, मगर जैसे जैसे हम दिल्ली की तरफ पहुंच रहे हैं लग ऐसा रहा है कि वो एस्कॉर्ट नहीं बल्कि हमें वो एक तरह का डिटेन कर रहे हैं या अरेस्ट कर रहे हैं। वांगचुक के एक्स अकाउंट से भी एक पोस्ट शेयर किया गया, इसमें लिखा था कि मुझे और मेरे 150 पदयात्रियों को दिल्ली बॉर्डर पर सैकड़ों की संख्या में पुलिस बल ने हिरासत में लिया है। कुछ लोगों का कहना है कि यह संख्या 1000 के आसपास है। हमारा भाग्य अज्ञात है, हम बापू की समाधि की तरफ सबसे शांतिपूर्ण मार्च पर थे। सिंह बॉर्डर पर क्या हुआ, प्रदर्शनकारियों को कहां पर रोका गया और इसके बाद क्या हुआ, बता रहे हैं ग्राउंड पर मौजूद ललन टॉप के पत्रकार रजत पांडे। पुलिस ने सोनम वांगचुक को डिटेन कर लिया है। दिल्ली के भवाना पुलिस स्टेशन के बाहर खड़े इसी पुलिस स्टेशन में सोनम वांगचुक और उनके कुछ साथियों को रखा गया है, वो अंदर हैं। कल रात से 1 सितंबर को वो लेह से चले थे, उन्होंने पदयात्रा की शुरुआत की थी। 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती के दिन उन्हें दिल्ली के कर्तव्य पथ तक पहुंचना था, लेकिन 30 सितंबर देर रात जब वो सिंगू बॉर्डर पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें अरेस्ट कर लिया और यहीं पर उन्हें इसी भवाना पुलिस स्टेशन में लाकर रखा गया है। यहाँ पर किसी को उनसे मिलने की इजाज़त नहीं दी गई है। अभी दिल्ली की मुख्यमंत्री कुछ देर पहले आतिशी भी आई थी मगर उन्हें भी मिलने नहीं दिया गया। बवाना के लोकल के जो विधायक हैं वो भी उनसे मिलने की कोशिश कर रहे थे लेकिन पुलिस ने उन्हें भी मिलने नहीं दिया। पुलिस किसी को भी मिलने नहीं दे रही है और यहाँ पे हमने कोशिश करी अंदर बात करने के लिए तो कुछ जो लोग अंदर डिटेंशन में हैं वो बता रहे हैं अंदर के हालात सही नहीं हैं, हम लोग रात में दरियों पर सोए, हमें खाने के लिए चीज़ें उपलब्ध नहीं हैं। अब ये देखना होगा कि सोनम वांगचुक को कब रिलीज़ किया जाता है और उसके बाद सोनम वांगचुक की प्रतिक्रिया क्या होती है। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी सोनम वांगचुक से मिलने पहुंची थी लेकिन उन्हें मिलने की अनुमति नहीं दी गई। इसके बाद आतिशी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि दिल्ली और लद्दाख दोनों को ही पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे सोनम वांगचुक जी और लद्दाख के लोग जो कल 2 अक्टूबर को बापू की समाधि पे दर्शन करने जा रहे थे उनको भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने गिरफ्तार कर लिया। ना सिर्फ इतना, हालांकि पुलिस ने पुलिस स्टेशन में मेरी एंट्री करवाई, उन्होंने मुझे सोनम वांगचुक जी से मिलने नहीं दिया। ये भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही है। हम सोनम वांगचुक जी का पूरा समर्थन करते हैं। लद्दाख में एलजी राज खत्म होना चाहिए और उसी तरह दिल्ली में भी ये एलजी राज खत्म होना चाहिए। वांगचुक को हिरासत में ले जाने पर और भी कई प्रतिक्रियाएं आई। राहुल गांधी ने लिखा कि मोदी जी किसानों की तरह ये चक्रव्यूह टूटेगा और आपका अहंकार भी, आपको लद्दाख की आवाज सुननी होगी।
प्रियंका गांधी ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने लिखा कि प्रचार तंत्र में दुनिया के सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री लोकतंत्र में इतने कमजोर हैं कि चंद पैदल चल रहे लोगों से भी डर गए। क्या दिल्ली किसी तानाशाह का किला है जहां आम जनता घुस नहीं सकती? क्या पर्यावरण बचाने और लोकतंत्र बहाल करने की मांग करना अपराध है? अन्य रिएक्शन भी एक एक करके आप सुन लीजिए प्रियंका गांधी के अलावा। पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है आजादी के बाद, किसानों के लिए दिल्ली के दरवाजे बंद, पर्यावरण के लिए या अपने हकों के लिए कोई अपनी आवाज उठाना चाहता है तो जाहिर सी बात है वो आवाज राजधानी में ही आकर उठाएगा। उनके लिए आपने ताले लगा दिए, राजघाट पर ताले लगा देंगे आप? राजघाट तो लोगों की जगह है, वो तो एक तीर्थ स्थान है तमाम उन लोगों के लिए जो संविधान को अपना भगवान मानते हैं, ईश्वर मानते हैं, उनको आप राजघाट में नहीं जाने देंगे? ये पाप है, अपराध नहीं है, ये पाप है। इस उम्मीद के साथ हम लोग आए थे कि कम से कम जो बातचीत का सिलसिला कहीं रुके थे वो फिर से शुरू हो, लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि ले से सोनम औचुक जी और उनके जो पूरे टीम जो पैदल चल के आ रहे थे उनको यहाँ पे रोका गया, और न सिर्फ रोका गया बल्कि उनको अलग अलग टीम बना के उनको डिटेंशन किया गया। उस ग्रुप में बहुत सारे लेडीज भी थे, मैंने खुद देखा क्योंकि पंजाब में मैं काफी उनके साथ चला था, 80-80 साल के बुजुर्ग जो है वो ले से उनके साथ चले हैं। अब संक्षेप में जान लेते हैं कि जिन मांगों को लेकर मांगचुक पैदल चल रहे हैं वो मांगे हैं क्या। चार मांगे हैं मुख्य रूप से। पहली मांग, जम्मू कश्मीर की तरह लद्दाख को भी विधानसभा मिले। दूसरी मांग है लद्दाख को संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करने की। तीसरी मांग है लद्दाख में एक और संसदीय सीट बढ़ाने की। और चौथी मांग है पब्लिक सर्विस कमीशन को लद्दाख लाया जाए। इन मांगों को लेकर सोनम वांगचुक मार्च में 21 दिन की भूख हड़ताल पर बैठे थे। भूख हड़ताल खत्म करने के बाद सोनम वांगचुक ने कहा था कि यह आंदोलन का अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है, अपनी मांगों को लेकर हमें जब तक आंदोलन करना पड़े करेंगे। तब से लगातार उनके प्रदर्शन जारी हैं। प्रदर्शन को लद्दाख के दो बड़े सामाजिक राजनीतिक संगठनों का भी समर्थन प्राप्त है, ABL यानी एपेक्स बॉडी लेह और KDA यानी कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस। लद्दाख की इन मांगों पर हम ललन टॉप शो में विस्तार से बात कर चुके हैं, उस शो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अब रुक करते हैं सुर्खियों का। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के लिए आखिरी और तीसरे चरण की वोटिंग 1 अक्टूबर को ही। 7 जिलों की 40 विधानसभा सीटों पर वोट डाले गए। 24 सीटें जम्मू डिवीजन में, 16 सीटें कश्मीर घाटी की हैं। शाम 4 बजे तक 56% से ज़्यादा वोटिंग हुई। सबसे ज़्यादा वोटिंग उधमपुर में रही, करीब 64%। सबसे कम बारामूला में हुई, 46%। वोटिंग के बीच PDP के प्रवक्ता मोहित भान ने आरोप लगाया कि कुपवाड़ा के हटमुल्ला पोलिंग स्टेशन पर जानबूझकर धीमी वोटिंग कराई जा रही है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि धरती पर कोई नहीं जो वोटर्स को वोटिंग टाइम खत्म करने तक मदद कर सके। आवामी इत्तेहाद पार्टी के अध्यक्ष और लोकसभा सांसद इंजीनियर रशीद ने कहा कि 2014 के बाद राज्य में लोगों की आवाज़ दबाई गई। ये भी कहा कि अगर मैं सत्ता चाहता तो मोदी से हाथ मिला लेता। पेशेंट को ये कहता हूँ कि अगर BJP को लगा और उमर अब्दुल्ला को लगा कि इंजीनियर रशीद को इतनी सीटें मिली कि कोई चारा नहीं है कि NC और PDP हाथ मिलाए, तो मेरी पेशेंट गोई लिख के रख लें, NC और BJP सरकार बनाने से गुरेज नहीं करेंगे। और जो चीज़ें महबूबा मुफ्ती ने करवाई 370 और 35 से हटवाया, उससे भी बड़ी मुसीबतें कश्मीरियों के सरों पर लिखी होगी, क्योंकि इन लोगों के लिए इक्तदार के सिवा कोई और प्रायोरिटी नहीं है। अब जम्मू कश्मीर से एक अन्य चुनावी राज्य हरियाणा चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पलवल में जनसभा को संबोधित किया, कहा कि कांग्रेस को ठगी की लत लग गई है और उसके राज्य में दलाल और दामाद मालामाल हुए। कांग्रेस ने देशवासियों की समस्याओं का समाधान नहीं किया बल्कि अपने बेटे बेटी अपना परिवार उसको स्थापित करने में ही पूरी की पूरी शक्ति लगा दी। अगली सुर्खी पे आते हैं। बॉलीवुड स्टार गोविंदा को 1 अक्टूबर को सुबह गोली लग गई। उन्हें मुंबई के CRITI अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां ICU में उनका इलाज चल रहा है और वो खतरे से बाहर हैं। गोविंदा के पैर में गोली लगी थी, वो अपने ही लाइसेंसी रिवॉल्वर से गोली चलने से घायल हुए। बताया जा रहा है कि रिवॉल्वर साफ करने के दौरान गलती से गोली चल गई जो गोविंदा के घुटने के पास लगी। जिस वक्त ये हादसा हुआ वो घर पर अकेले थे, कहीं बाहर जाने की तैयारी कर रहे थे। लाइसेंसी रिवॉल्वर वो अपनी सुरक्षा के लिए साथ रखते रहे हैं। गोविंदा ने अस्पताल से ऑडियो संदेश भी जारी किया, आप सुनिए। आप सब लोगों के आशीर्वाद और माँ बाप का आशीर्वाद और गुरु की कृपा की वजह से गोली लगी थी, पर वो
निकाल दी गई है। मैं धन्यवाद देता हूँ यहाँ के डॉक्टर का, आदरणीय डॉक्टर अग्रवाल जी का, और आप सब लोगों की प्रार्थना जो है, आप लोग का धन्यवाद बड़ा। मुंबई पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। गोविंदा की रिवॉल्वर भी पुलिस ने अपने कब्जे में ले ली है। अगली सुर्खी पे आइए। चुनाव आयोग ने डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख और दुष्कर्म के आरोपी गुरमीत राम रहीम की परोल कुछ शर्तों के साथ मंजूर कर दी है। शर्तें क्या? पहली, जेल से बाहर आने के बाद वो हरियाणा में नहीं रहेगा। दूसरी, किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविटी में शामिल नहीं होगा। तीसरी, सोशल मीडिया पर चुनाव प्रचार नहीं करेगा। 1 अक्टूबर को उसके बाहर आने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई। राम रहीम को 20 दिन की परोल मिली है। ये उसे 4 साल में मिली 15वीं परोल है। इसकी चर्चा इस नाते भी है कि 5 अक्टूबर को हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए वोट पड़ना है। कांग्रेस ने राम रहीम के परोल पर आपत्ति जताई है। चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर शिकायत की है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी AICC के लीगल सेल के केसी भाटिया ने चिट्ठी में लिखा है कि हरियाणा में राम रहीम का मास बेस है, वो बाहर आकर चुनाव को प्रभावित कर सकता है। इससे पहले भी वो परोल या फरलो पर बाहर आकर चुनावों को प्रभावित करने की कोशिश कर चुका है। आज का ललन टॉप शो यहीं तक। अपना और अपना का ख्याल रखिए और देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।